नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और अमरवाड़ा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह आगे चल रहे हैं और दूसरे स्थान पर कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन शाह हैं। कुछ ही देर में जारी हो सकते हैं नतीजे और बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो देखिए, आपको हम जश्न की तस्वीरों तो दिखा रहे हैं लेकिन अभी जो नतीजे हैं वो जारी नहीं हुए हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश शाह आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो जश्न की तस्वीरें जरूर निकल के सामने आ गई हैं। उत्साह देखने को मिल रहा है कि आखिरकार कैसे बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो जश्न में झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो खुशी की लहर बीजेपी में देखने को मिल रही है क्योंकि जानकारी जिस तरह से निकल के सामने आ रही है, बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी तक ऐलान नहीं हुआ है लेकिन माना यह जा रहा है कि जल्द ही नतीजों की घोषणा की जा सकती है। तो कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन शाह दूसरे नंबर पर चल रहे हैं और अमरवाड़ा उपचुनाव का जो ये रण है उसमें किसकी जीत होगी ये देखना बेहद दिलचस्प है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं, कमलेश शाह आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये आपको हम भोपाल बीजेपी दफ्तर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर जश्न मनाया जा रहा है और मिठाइयां यहां पर बांटी जा रही हैं। जगदीश देवड़ा आपको यहां पर नजर आएंगे और राजेंद्र शुक्ल आपको दिखाई देंगे। जश्न यहां पर देखने को मिल रहा है और खुशी के माहौल में बीजेपी दफ्तर पूरी तरह से सराबोर दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह आगे चल रहे हैं और उसी की खुशी यहां पर बीजेपी के दफ्तर में मनाई जा रही है। वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। जश्न यहां पर देखने को मिल रहा है क्योंकि अमरवाड़ा का रण बेहद ही दिलचस्प रहा है। सुबह से जिस तरह के लगातार आंकड़े निकल के सामने आ रहे थे, जो रुझान थे वो अगर देखा जाए तो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी जिस तरह से जानकारी ये कि कमलेश शाह आगे चल रहे हैं उसको लेकर के खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है भोपाल दफ्तर से। और प्रमोद हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रमोद, जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है बीजेपी दफ्तर से, वहां पर मिठाइयां बांटी जा रही है, क्या पूरी जानकारी? बीजेपी दफ्तर की आपको मैं तस्वीर दिखा देता हूँ, आप देखेंगे तो यहाँ पर बीजेपी दफ्तर पर बीजेपी दफ्तर में दोनों जो उप मुख्यमंत्री है वो इस वक्त मौजूद है। मैं बातचीत करूंगा, यहाँ देखेंगे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा। सर, अमरवाड़ा में किसकी जीत हुई है? विकास, विकास और सुशासन। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता और मार्गदर्शन यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही धांधली के, कांग्रेस विचलित हो रही है, बौखलाहट है। सर, बीजेपी ने जो दावा किया था आंकड़े कम रह गए। हमने कहा कि कमलनाथ जिसको अपना गढ़ कहते थे वो कमलनाथ का गढ़ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गढ़ है, लाभार्थियों का गढ़ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। कमलेश शाह जी ने जीत करके ये बता दिया, माननीय मोदी जी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी जी, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के काम और संगठन की दृष्टि से विष्णुदत्त शर्मा जी का नेतृत्व फिर से सफल हुआ है। इस पार्टी धांधली के आरोप लगा रही है, कह रही है, मुझे लगता है जब वो चुनाव हारते हैं तो केवल आरोप लगाने का काम करते, अपने आप को टटोलने का काम कहीं नहीं करते। बचा खुचा छिंदवाड़ा किला भी डह गया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये ढोल बजते नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता झूमते नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीर है राजधानी भोपाल के बीजेपी दफ्तर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अमरवाड़ा चुनाव जीत को लेकर बीजेपी जश्न मनाती नजर आ रही है। बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से बातचीत की हमने जगदीश देवड़ा से, और वहां पर आप सीधी तस्वीर देखेंगे तो ये राजधानी भोपाल में जो कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, बाहर पहुंचे और एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। जिस तरीके से अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रसीज पर लिया इस पूरे इलेक्शन को और उसके बाद फिर जीत दर्ज की, तो कुल मिलाकर बीजेपी के जो वर्कर हैं, जो नेता हैं, वो उत्साही नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी अतुल जैन आपको ये सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल से अलग अलग जगह से दिखाते नजर आ रहे। एक बार फिर से मैं ढोल की तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखें बीजेपी वर्कर, देखिए ये तस्वीरें राजधानी भोपाल से आतिशबाजी की तस्वीर दिखा देता हूँ। हमारे
भोपाल के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी उत्साही नजर आ रही है और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। एक सवाल, राजेंद्र शुक्ल मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री इस वक्त जी मीडिया पर मौजूद है, अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर उनसे हम सवाल कर लेते हैं। सर, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाने के लिए बीजेपी दफ्तर में मौजूद है। सर, अमरवाड़ा में जीत हो गई है बीजेपी की, मार्जिन कम रह गया है? मार्जिन कोई ज्यादा कम नहीं। आपको अमरवाड़ा पर जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल करी है, मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। आगम का एक कार्यक्रम बम्बई में भी किया है, अन्य बड़े बड़े स्टेट के ऐसे व्यापार केंद्रों को भी हम केंद्रित कर रहे हैं जहां से निवेश की बड़ी संभावना हमारे मध्यप्रदेश के लिए मिलेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज की इस समिट में, खास करके हमारे समागम में, कई सारे नामी गिरामी बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हुए, जिसमें श्री रिलायंस ग्रुप के माननीय श्री अनिल अंबानी जी, आदित्य बिड़ला ग्रुप के एच के अग्रवाल जी, वेल्सन ग्रुप के बी के गोयनका जी, लार्सन ट्रूबो के श्री सुब्रमण्यम जी, पार्ले एग्रो के सोना चौहान जी, ऐसे कई बड़े स्वनाम धन्य अलग अलग उद्योगपतियों ने इसमें सम्मिलित में भाग लिया है। कई सारे व्यापारी फेडरेशनों के साथ जुड़ करके हमने इस पे बात की कि हमारे यहाँ पर आकर के निवेश की संभावना में आपके माध्यम से भी लोगों को लेकर के आए, जो हमारे यहाँ